मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हैदराबाद में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की लेकर चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में छत्तीसगढ़ और राजस्थान मॉडल को लेकर पूरे देश के चुनाव में उतरने की भी योजना बनाई गई है। इंडिया गठबंधन के चेहरे को लेकर किए गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हैदराबाद की बैठक में इस पर बात नहीं हुई। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आम जनता के जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जो लघुन पसंग्राहक हैं, जो गौपालक हैं, किसान हैं, उसके आर्थिक स्थिति सुधार हम लोगों ने जो किया है, जो परिवर्तन आया है यहाँ के जीवन में, किसान मजदूर और आदिवासी वनांचल में रहने वाले, जो तेंदुपत्ता जो तोड़ने वाले, इनके जीवन में जो परिवर्तन आया, और उसके बाद साथ साथ जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इसके लिए युवाओं के लिए जो काम किया है, तो इसके बड़ा व्यापक प्रभाव पूरे देश में पड़ा है। क्योंकि आज लोग महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, ऐसे समय में आम जनता के जेब में पैसा डालना सरकार के द्वारा, और थोड़ा बहुत नहीं, छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में 1,75,000 करोड़ रुपया सीधा आम जनता के खाते में गया है, इसकी चर्चा तो है ही है, और इस मॉडल की भी चर्चा, और यही कांग्रेस का सिद्धांत भी है कि आम जनता को ताकतवर बना।